हाय गाइस, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। और आज हम आ गए हैं सैमसंग F54 5G के लॉन्च इवेंट पर, और हमारे साथ है राजू पुल्लन, VP सैमसंग इंडिया। और इनसे हम पूछने वाले हैं इसी फ़ोन और इसी लॉन्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो ऑडियंस को ये बता दीजिए कि ये फ़ोन 3 पॉइंट्स क्यों ले? कैमरा, राइट? जो भी कंज्यूमर्स को आउटस्टैंडिंग कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, ये मेगापिक्सल का स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कैमरा के इकोसिस्टम का, राइट? सो दैट इज द रीजन दिस इज गॉट पावर पैक्ड कैमरा फीचर्स। हम इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं साक्षी, बट इट टेक्स कैमरा टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? इट्स गॉट अ 108 मेगापिक्सल सेंसर। We are dancing on the dance floor and we want to take the best moments of our life. And you can take it blurfully because this has got OIS, which actually makes, which is a technology where the camera moves in the direction, in the opposite direction, so that you are able to get the blur-free picture of the person ahead, right? Even if you are moving. It has also got Super AMOLED screen that is there. You can take, it's got a feature of nightography, astrolabs, and so much more. And of course, it's got a very powerful battery of 6000 mAh, which makes it gives you almost 2 days of battery life. And ये सब users को मिल रहा है कितने price में और कब से? So, Sakshi, very good point that you made. लेकिन I will not, मैं इसको price नहीं बोलूँगा. We are making premium tech affordable to the consumer. So, for example, this product with a flagship design, right? It's got a flagship design. It's got the signature Galaxy design that is there and a camera module. It's going to be available to consumers at 29,990 as we are launching today. But the good news is that for the launch period, for the consumers who are going to pre-book, jo consumers pre-book karayenge, unko this will be available at about 27,990, right? Great. वन मोर क्वेश्चन कि सैमसंग जो है वो अपने प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस में मोस्टली एस्ट्रो फोटोग्राफी पे लेटली काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो ये एक एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ कोई क्या कुछ कनेक्शन है क्या है जो वो मिड रेंज में भी लेके आए और उस पर फोकस भी किया है उस फीचर पे, तो कुछ ऐसा डेटा है या क्या है इसके पीछे? सो कंज्यूमर्स जो है, हम इंडिया में करीबन 27 साल से हम इंडिया में हैं, तो हम ये बोलते हैं कि इंडिया के हर घर पे कुछ ना कुछ सैमसंग का होता है, तो दैट इज़ द रीज़न हम कंज्यूमर्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स बेटर। और वेन वी लॉन्च कुछ फीचर्स हम फ्लैगशिप में जब भी लॉन्च करते हैं, जो फीडबैक और कंज्यूमर यूजेज पैटर्न हमें कंज्यूमर के फीडबैक के थ्रू मिलता है, जो हमारे शॉप फ्लोर हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलता है, इन दैट एस्ट्रो फोटोग्राफी इज वेरी एस्ट्रो लैब्स इज कमिंग आउट एज अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंशिएटेड फीचर दैट कंज्यूमर एस्पायर करता है। दैट इज़ द रीज़न हम बोलते हैं कि गैलेक्सी F54 5G जो है F सीरीज़ का सबसे प्रीमियम टेक है, सबसे प्रीमियम फ़ोन है। तो दैट इज़ द रीज़न बेसिस कंज्यूमर फीडबैक वी हैव एडेड द एस्ट्रो लैब्स इन दिस वन एज वेल। ओके, ऑल्सो हमने सैमसंग की जो स्ट्रैटेजी है फ़ोन्स को लेके, बजट को लेके, उसमें काफ़ी शिफ्ट देखा है। सो जब हम नोट सीरीज़ पे जाएं अगर, तो नोट और S सीरीज़ ही थे जो सबसे ज़्यादा एक कह सकते कि वॉन्टेड थे सैमसंग में, कि ये सबको पसंद आएंगे नहीं आएंगे। उसके बाद सैमसंग ने बजट स्मार्टफोन्स पर शिफ्ट किया, आई थिंक बहुत कम फ़ोन है यूजर्स के पर्सपेक्टिव से जो मिड रेंज में काफ़ी अच्छा या लास्ट करिए, ये उनमें से एक हो सकता है जितना हमने अभी रिव्यू करके देखा, क्योंकि हमारे पास फ़ोन है। सो अब मिड रेंज में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या यूजर्स भी मिड रेंज में शिफ्ट हो रहे हैं या क्या था वो मिड रेंज पे फोकस करने का फैक्टर? सो इंडिया में करीबन 650 मिलियन कंज्यूमर्स का इंस्टॉल्ड बेस है, राइट? इसमें काफ़ी जन 4G पे है स्मार्टफोन में। इन सभी कंज्यूमर्स को वो एस्पायर करते हैं, उनको ये इंटरेस्ट है कि वो अपग्रेड करें, राइट? एंड वी फाइंड दैट कंज्यूमर जो अपग्रेड करेगा, दैट विद इन 20,000 to 30,000 रुपीज़ इज़ वॉट दे लाइक टू गो टू, बिकॉज वो एक एस्पिरेशनल फीचर अगर उनको मिल रहा है तो दे वॉन्ट टू गो टू दैट प्राइस पॉइंट। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम्स दैट इज़ देयर, सो दैट कंज्यूमर्स कैन ओन दी F54 5G, विच फॉर अस सैमसंग के लिए इट इज़ दी एफ सीरीज में सबसे प्रीमियम फ़ोन है, सो दैट कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड दैट। ऑल्सो 5G को लेके सैमसंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से पिछले 1 से 2 साल में हमने देखे हैं 5G पर फोकस करके। तो 5G मिड रेंज और फ्लैगशिप फीचर्स इन मिड रेंज, इसका कुछ मिला जुला मिक्स मिलने वाला है मैं आगे स्ट्रैटेजी में सैमसंग के या कुछ और? सो साक्षी, इंडिया में हमारा फोकस जो है बड़ा सिंपल है, वी आर अ 5G फर्स्ट कंपनी,
राइट, वी आर अ 5G फर्स्ट कंपनी और इंडिया स्ट्रेटजी में 5G इज वन ऑफ आर कोर, यू नो आर कोर स्ट्रेटजीज दैट आर देयर. लास्ट ईयर पूरे साल में हमने करीबन 13 5G फोन्स हमने लॉन्च किया. आज हम 6 जून के शुरुआत में मिले हैं, राइट. वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, दिस इज आवर 10th 5G फोन, विच मीन्स दैट कंज्यूमर्स वॉन्ट टू बी टेक रेडी, दे वॉन्ट टू अपग्रेड, राइट. सो दैट इज द रीजन 5G इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स. और मुझे बेहद खुशी है ये बोलने, ये बताने के लिए दैट इंडिया में सैमसंग का सेकेंड लार्जेस्ट जो है R&D सेंटर जो बेंगलुरु में है, वहाँ से जो है हमारे R&D के जो सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स जो है वहाँ से इसमें से इस फ़ोन के कैमरा मॉड्यूल में काफ़ी फीचर्स उन्होंने एस्ट्रोलैब्स जो है वहाँ से आया हुआ है, काफ़ी दूसरे फीचर्स जो है हमारे इंडिया R&D सेंटर से आया हुआ है. हम सैमसंग 5G एक्सपर्ट है, राइट. सो वी आर द नंबर 1 5G ब्रांड इन इंडिया और जब भी हम कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन सुनते हैं सो दैट इज़ द रीज़न हम 5G पोर्टफोलियो हमने बढ़ाए. एंड वी विल ऑल्सो यू नो इन Q1 भी जो अभी रिजल्ट आया हुआ है जैन टू मार्च का, उसमें भी कंज्यूमर का विश्वास और प्यार के कारण वी आर द नंबर 1 ब्रांड. इनफैक्ट मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि जो रिपोर्ट यू नो Counterpoint का आया उसमें सैमसंग इज इंक्रीज्ड इट्स शेयर इवन फर्दर. वी आर एट अबाउट 28% मार्केट शेयर एंड वी हैव कंसॉलिडेट आवर लीडरशिप. मुझे कॉन्फिडेंस है कि F54 5G के जो डिस्प्ले, जो कैमरा, जो बैटरी और जो रीअश्योरेंस के कारण we will be able to further consolidate our 5G leadership in India. Yeah. So just my last question would be कि इस साल कंज्यूमर को क्या कुछ देखने को मिलेगा सैमसंग के, उसमें कि कुछ नया मिलने वाला, एक हिंट, कुछ नया कुछ एक ही हिंट दे सकता हूँ कि हम मिलते रहेंगे. Sure, thank you.